What is OOP? OOP stands for object oriented programming. It is a programming approach that are based on the class and object. It is about creating objects that contain both data and functions. Classes and objects are the two components of OOP. OOP is a paradigm that provides many concepts such as polymorphism, inheritance and data binding. इट इज़ फास्टर एंड ईजी टू एग्जीक्यूट ओप प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स द मेन एम ऑफ ओप इज टू बाइंड टूगैदर द डेटा एंड द फंक्शंस ओप की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ऑरटेड प्रोग्रामिंग ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओप एक ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो कि पूरी तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है इसमें डेटा और कोड होता है डेटा मीन्स वेरिएबल एंड कोड मीन्स फंक्शन इनकी हेल्प से हम डेटा को मैनेज करते हैं ओप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने पर है जो कंटेन करते हैं डेटा और फंक्शंस क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ओप के दो मेन कंपोनेंट हैं ओप एक पैराडाइम है जो प्रोवाइड करती है मैनी कॉन्सेप्ट जैसे इनहेरिटेंस पोलिमोरफिसम एंड डेटा बाइंडिंग ओप प्रोग्राम्स के लिए प्रोवाइड करती है क्लियर स्ट्रक्चर ओप का मेन नेम होता है डेटा और फंक्शंस को साथ में बाइंड करना इट इज फास्टर एंड इजी टू एग्जीक्यूट देर आर बेसिक कॉन्प्ट डेट एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ऑरिएटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ऑरेंटेड प्रोग्रामिंग के काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं जैसे क्लास ऑब्जेक्ट इनकेप्सुलेशन इनहेरिटेंस एब्सट्रैक्शन और पॉलिमोफ इन सभी की डेफिनेशन एग्जाम में आती है जैसे वॉट इज क्लास वॉट इज इनहेरिटेंस वॉट इज ऑब्जेक्ट वॉट इज क्लास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास इट इज अ लॉजिकल एंटिटी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस डेट लीड्स टू ओ इज अ क्लास इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच होल्ड इट्स आउन डेटा मैम्बर्स एंड फंक्शंस अ क्लास इज लाइक अ ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट अ क्लास इज असर डिफाइंड डेटा टाइप डेट हैज डेटा मैम्बर्स एंड में कलेक्शन को क्लास बोलते हैं क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है सी प्लस प्लस की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो लीड करते हैं ऑब्जेक्ट ऑरटेड प्रोग्रामिंग को वो क्लास है क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमे डेटा मैंबर्स और मैंबर फंक्शंस होते हैं डेटा मैंबर और मैंबर फंक्शन की कलेक्शन को भी क्लास कहते हैं डेटा मैंबर का मीनिंग होता है कि आपने क्लास के लिए कितना डेटा लिया है और मैंबर फंक्शन का मीनिंग होता है कि आपने उस क्लास के लिए कितने मैंबर फंक्शन का यूज़ किया है आप जब भी कोई क्लास क्रिएट करोगे तो आप क्लास कीवर्ड का यूज़ करोगे नहीं तो आप क्लास डिक्लेयर नहीं कर पाओगे क्लास में आप डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते क्लास को आप एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो क्लास के लिए कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है ऑब्जेक्ट के लिए क्लास एक ब्लू प्रिंट की तरह काम करती है क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं। वॉट इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लू प्रिंट डेट इज डिफाइंड बाई क्लास ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन ऑब्जेक्ट वी कैन पास वैल्यूज डायरेक्टली each ऑब्जेक्ट create इट्स own मेमोरी ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है अगर आपको क्लास के डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा जब हम मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास के लिए तो हमें किसी भी कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती आप ऑब्जेक्ट बिना कीवर्ड के लिखते हो ऑब्जेक्ट में आप किसी भी क्लास के लिए डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हो ऑब्जेक्ट में आप क्लास के लिए एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती है जब क्लास डिफाइंड होती है कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती लेकिन जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब मेमोरी एलोकेट हो जाती है वॉटर्स इनकेप्सुलेशन

हम किसी भी क्लास में लिख देते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन होता है फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास इनकैप्सुलेशन हमें मैथड प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डेटा को कंट्रोल कर सकें ताकि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इंटरनल डेटा को मॉडिफाई ना कर सके। इनकैप्सुलेशन की दो मेन प्रॉपर्टी होती है देर आर टू मेन प्रॉपर्टी ऑफ इनकेपसिलेशन वी हैव फर्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन सेकंड है इंफॉर्मेशन हाइडिंग What is inheritance the capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance it is one of the most and most important feature of object oriented programming in inheritance is a feature or a process in which new classes are created from the existing classes दी क्लास क्रिएटेड इस कॉल्ड चाइल्ड क्लास एंड क्लास इज नोन एज द पेरेंट क्लास एक क्लास की कैपेबिलिटी जिससे वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को और करैक्टरिस्टिक्स को डिराइव कर लेती है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस अलो करता है कि आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को करैक्ट्रिस्टिक को दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हो इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है इनहेरिटेंस एक फ़ीचर है एक प्रोसेस है जिसमें नई क्लासेस बनती हैं एग्जिटिंग क्लासेस से जो नई क्लास बनती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास और जो एग्जिटिंग क्लास होती है उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को करैक्ट्रस्टिक को दूसरी क्लास में यूज़ करते हो इन्हेरीटेंस के टोटल टाइप होते हैं फाइव सिंगल इन्हेरीटेंस मल्टीपल इनहेरीटेंस मल्टीलेवल इन्हेरीटेंस हायरिकल इन्हेरीटेंस एंड हाइब्रिड इन्हेरीटेंस वॉट इज एप्स एप्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ऑनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स एब्सट्रैक्शन रेफर टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा टू द आउटसाइड वर्ल्ड हाइडिंग दल बैकग्राउंड डिटेल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। एब्सट्रेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिर्फ अशेंशियल फीचर पर फोकस करते हैं जो भी अनेसरी चीज़ होती है वो हाइड रहती है मीन इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स हाइड रहती हैं इसके टोटल टाइप होते हैं दो First, data abstraction. Second, control abstraction. What is polymorphism? The word polymorphism is the combination of two words poly plus morphism. Poly means many, and morphism means type. Polymorphism is the one of the most important concepts of object oriented programming. Polymorphism is the key power of object oriented programming. पोलीमोरफिस इज अ प्रॉपर्टी थ्रो विच एनी मैसेज कैन बी सेंड टू ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल क्लासेज पोलीमोरफिस कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का पोली प्लस मोरफिम पोली मीन्स मैनी एंड मोरफिम मीन्स टाइप पोलीमोरफिस्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं पोलीमोरफिसम का मीनिंग होता है मैनी टाइप मैनी फॉर्म एक सिंगल ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं पोलिमोर की पावर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की यूनिट फर्स्ट ये कंप्लीट यूनिट थी इसमें हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं क्लास क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है इनकेप्सुलेशन क्या होता है इनहेरिटेंस क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और पोलीमोर क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है is, oh, class, object, तो आप इन सभी टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना इन सभी के जो डायग्राम्स हैं वे आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर और ऑब्जेक्ट ऑरियंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रिवियस एग्जाम पेपर है वो मैंने सेंड कर दिए थे कुछ दिन पहले तो आप उनको भी चेक कर लेना सिलेबस कंप्लीट कर लेना हर एक हेड कंप्लीट कर लेना हर एक टॉपिक के डायग्राम रेडी कर लेना और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स भी रेडी कर लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वे जब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर एक बार रेडी कर ले होते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं